ओम नमो नारायण। 30 दिसंबर 2021 यानी दिन गुरुवार को सफला एकादशी है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये व्रत सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। इस एकादशी के व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। इस व्रत की गणना सभी एकादशियों में श्रेष्ठ रूप में की जाती है, क्योंकि ये व्रत इंसानों के सभी कष्ट और दुखों को दूर करता है। आइए अब जाने सफला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी व्रत 30 दिसंबर यानी गुरुवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 29 दिसंबर दिन बुधवार को दोपहर 4:12 से 30 दिसंबर दिन गुरुवार को दोपहर 1:40 तक रहेगा। सफला एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त 31 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 10 तक है। आइए अब आपको सफला एकादशी व्रत का महत्व बताते हैं। शास्त्रों और पुराणों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फल मिलता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि बड़े बड़े यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। सफला एकादशी को कल्याण और सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने पर बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मकता का अंत होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उनको हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही मन में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। जो व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन लहसुन, बैंगन, प्याज, मांस, मदिरा, तंबाकू और पान सुपारी से परहेज रखना चाहिए। संभव हो तो एकादशी के दिन बिस्तर पर ना सोकर जमीन पर सोना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन दातून करना वर्जित माना गया है। साथ ही इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की फूल पत्तियों को तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। सफला एकादशी व्रत की विधि इस तरह से है। सफला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का मंत्र सहित ध्यान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर तस्वीर को चौकी पर लाल कपड़े बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से तस्वीर समेत चारों तरफ छींटे दें। पूजा के लिए घट स्थापना करें और देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही कुछ पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। धूप और दीप से भगवान की आरती उतारें और फिर विष्णु सहस्रनाम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध से बनी चीज का भोग लगाएं और शाम के समय फिर से पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद तुलसी पूजन भी अवश्य करें और कुछ दान करें। फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। इस दिन के व्रत में केवल सात्विक भोजन ही खाना चाहिए और चावल नहीं खाने चाहिए। मैं हूं हिमांशु शर्मा। ऐसी और धार्मिक जानकारियों और पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। धन्यवाद।